दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मई तक बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर बीआरएस नेता के कविता की भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउल एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। 7 मई को दोबारा इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बीते 15 अप्रैल को कोर्ट की ओर से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार 15 मई के लिए सूचीबद्ध भी कर दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आम आदमी पार्टी के नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली द्वारा नवा समन जारी किए जाने के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। वहीं समन में 21 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया था। उसी दिन शाम में सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था और वह अभी तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसी का आरोप है कि मामले में अन्य आरोपी आबकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसे अब रद्द किया जा चुका है। ये भी आरोप है कि इस नीति के परिणाम स्वरूप आरोपियों को फायदा हुआ और उसके बदले में उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वत भी दी। बहरहाल सीएम केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 15 मई को होने वाली सुनवाई में देखना ये होगा क्या उनकी हिरासत फिर से बढ़ेगी या कुछ रियायत मिलेगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।